हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट। स्वास्तिका का एक 5500 मॉडल है। तो हमारे साथ है कुंवर सर, जो सुकैम के फाउंडर हैं और अभी स्वास्तिका के मेंटर हैं। हेलो सर, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। तो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट लगा हुआ है लिथियम बैटरी के साथ, आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे इसके बारे में, क्या प्रोडक्ट है ये? स्वास्तिका का 5 KVA का PS है और लोग इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, लेकिन ये UPS है क्योंकि इसमें स्विचिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप कंप्यूटर चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं बिना किसी स्विचिंग के। और ये लिथियम बैटरी के साथ है। सबसे अच्छी बात क्या है कि लिथियम बैटरी के साथ है। आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी लिथियम बैटरी है, इसका वेट सिर्फ 60 kgs है। और आप देख सकते हैं ये लिथियम बैटरी के साथ है, जो वॉल माउंट है आप इसको वॉल माउंट कर सकते हैं। और ये छोटा सा प्रोडक्ट है जिसको आप मूव कर सकते हैं आगे पीछे और बस इतनी सी स्पेस लेगा। तो सर, इसमें मॉनिटरिंग का भी फीचर अवेलेबल है, वो कैसे वर्क करता है एक बार बताएंगे आप? सर, हमारे एक डोंगल है जो पीछे USB लगी हुई है, उसके अंदर ये फिट हो जाता है और उससे आप अपनी ऐप उतारे ऐप स्टोर से जाके iOS या एंड्रॉइड में, और फिर उसके साथ आप कम्युनिकेट करके आप बड़े सारे फीचर देख सकते हैं, इसकी सेटिंग देख सकते हैं। सर, एक डिजिटल वारंटी भी फीचर देखा है मैंने आपके प्रोडक्ट्स में, वो क्या है? सर, डिजिटल वारंटी हमारे सारे प्रोडक्ट्स में डिजिटल वारंटी है। किसी भी कस्टमर को कोई कार्ड नहीं चाहिए, किसी भी डीलर को किसी तरह का कोई वो नहीं चाहिए। जैसी वारंटी स्टार्ट होगी इस डोंगल के थ्रू आप फोन पे देख सकते हैं कि आपकी डिजिटल रिवर्स में चलेगी। सपोजली ये 3 साल का प्रोडक्ट है तो 3 साल की वारंटी उल्टी चलनी शुरू हो जाएगी जब आप लगाएंगे। वो तभी चालू होगी जब आप बैटरी की इनपुट लगाएंगे, अदरवाइज ये वारंटी चालू नहीं होगी। अच्छा, मतलब रनिंग वारंटी है इसमें ओनली? बिल्कुल रनिंग वारंटी है, पेपर ट्यूब वाली वारंटी। सर, जैसे ये देख रहा हूँ मैं, बहुत कम स्पेस में लगा हुआ है ट्यूबलर बैटरी, और इसमें इन्वर्टर और बैटरी में क्या क्या डिफरेंसेस है? सो आप देख लेंगे ट्यूबलर बैटरी जो है वो अराउंड अबाउट 62 kgs की है और 4 बैटरियां लगती है। हाँ सर, बिल्कुल। तो वो टोटल 260 kgs के आसपास हो गया, 60 kgs के आसपास हो जाता है, और ये हमारा सिर्फ 32 kgs का है। बिल्कुल सर। सो आप देख सकते हैं कि कोई भी दो लोग उठा के आराम से ले जा सकते हैं। इसके लिए हमने इसको हैंडल दिए हैं, दोनों साइड से आप हैंडल उठा के दो लोग आराम से 32 kgs का वेट उठा के ले जा सकते हैं। सर, अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो इसमें क्या क्या करना पड़ता है? आप देख ही रहे क्या मेंटेनेंस है, बस ये कनेक्टर लगा हुआ है, दैट्स इट। कोई मेंटेनेंस ही नहीं इसमें, तो आप कुछ कर नहीं सकते, ना पानी डाल सकते हैं ना आप इसको साफ करने की जरूरत है, दैट्स इट, सिंपल। और इसकी इंस्टॉलेशन भी बड़ी फास्ट है। ओके, ओनली प्लग एंड प्ले कनेक्टर है, प्लग एंड प्ले है। छोटी सी बैटरी तो बैकअप टाइम का भी डिफरेंस आएगा? डेफिनेटली, ये बैकअप आपको ज्यादा देगी। अगर अच्छा, आप 4 बैटरियों के एंगल से आप चल रहे हैं तो 4 बैटरियों में अगर आप 4 kW का लोड लगा दें तो आपको इसमें आधे घंटे का बैकअप फालतू मिलेगा कंपेयर टू 150H लेड एसिड बैटरी। इसकी जो लाइफ है 7 to 10 years है, मोस्ट ऑफली 10 years है। और आपकी जो लेड एसिड बैटरी है 2 साल में 2-3 साल में रिप्लेस करनी होती है, रिप्लेस करनी होती है, तो उसका जो बैकअप है तो पहले साल में ही गिरना शुरू हो जाता है। yes, इसका बैकअप गिरना भी जो शुरू होगा शायद 7 साल के बाद, तो उसका बैकअप गिरना शुरू होगा। अगर मैं बात करूँ स्क्रैप वैल्यू की, तो मेरी ट्यूबलर बैटरी अगर खराब हो जाती है 2-3 साल में तो उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलती है कुछ? इसमें क्या स्क्रैप वैल्यू मिलेगी इस बैटरी? पहले तो ये उससे डबल का टाइम है, आपको अगर 3 साल में बैटरी का स्क्रैप लेना है तो ये स्क्रैप आपका आएगा 7 साल में 8 साल में। और उस टाइम में इसकी आज के डेट में भी अगर आप इसको स्क्रैप में देना चाहें तो 6,000 रुपए आपको स्क्रैप वैल्यू की अगर आप आज की डेट, लेकिन आने वाले समय में जितनी भी लिथियम बैटरी है उनकी स्क्रैप की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो सर, अगर बात करूँ सेफ्टी स्टैंडर्ड की, तो लोग अभी भी लिथियम से बहुत डरते हैं। बात ट्यूबलर की करें तो लोग अभी ट्यूबलर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लिथियम को करते नहीं है, तो उस पर क्या कहना है आपका? सो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, उसमें दिखाना चाहूंगा ट्यूबलर में आज तक कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग मरे ट्यूबलर एक्सीडेंट। ये सेफेस्ट बैटरी है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो BIS and CE दोनों से अप्रूव है। Okay. इसका सर्टिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सर लोड, अगर मैं इसमें क्या क्या लोड चला सकता हूँ इसमें? सो देखिए, ये क्योंकि ये जो बैटरी है बड़ी पावरफुल बैटरी है कंपेयर टू अदर बैटरी, इस पे आराम से आप 2 AC चला सकते हैं, जो 5-star AC आते हैं आज की डेट में 1.5 टन के, आप आराम से 2 AC 1.5 टन के चला सकते हैं। AC 2 चल जाएंगे और नॉर्मल लोड भी चल जाएंगे? चल। अगर मैं इन्वर्टर AC की बात करूँ तो? इन्वर्टर AC चलाए तो शायद इसके 3 AC चल जाएंगे आराम से। तो अगर मैं बात करूँ जैसे IT लोड चलाना है किसी को, तो ये यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप इस पे कंप्यूटर चलाएं, सर्वर चलाएं, प्रिंटर चलाएं, किसी तरह का आपको कोई स्विचिंग टाइम नहीं मिलेगा। चेंज ओवर में कोई इसका स्विचिंग टाइम है ही? तो सर, जैसे इनपुट में फ्लक्चुएशन होते हैं, अगर लो कट हाई जैसे वोल्टेज अप डाउन होती है, उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है इसमें? तो इसमें क्या है कि इसमें दो तरह के मोड है, एक UPS मोड है, एक वाइड UPS मोड है। तो आप UPS मोड में आप कंप्यूटर वगैरह का चला सकते हैं, तो उसमें भी एक वोल्टेज रेंज है, ठीक है, जिस वोल्टेज रेंज से अगर नीचे जाएगा तो बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा और हाई वोल्टेज पे जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे एक वाइड UPS है जहाँ पे लाइट बहुत कम आती है, वोल्टेज कम आती है, तो उसके लिए भी एक रेंज रखी हुई है कि अगर उन्होंने उस रेंज पे काम करना है, पर उसमें वो IT लोड नहीं चला सकते। IT लोड UPS मोड में चलेगा? IT लोड UPS मोड में। अच्छा, लाइट 7 चलाना है तो वाइड मोड चलाना पड़ेगा। तो सर, अगर मैं बात करूँ जैसे इन्वर्टर में कुछ इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, रात में बंद हो गया, तो रात में तो मैकेनिक बुलाना टफ होगा, तो उसके लिए क्या इसमें प्रोविजन है? तो इसमें पीछे मैकेनिकल स्विच है बाईपास का। अच्छा, और आप देख सकते हैं ये बाईपास का मैकेनिकल स्विच है,
जिसको आप रोटरी में शिफ्ट करके आप उसको बाईपास पे चला सकते हैं। तो आपको रात को अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको बाईपास मोड पे चला सकते हैं रेगुलरली, आपको कोई भी इलेक्ट्रिशियन बुलाने की जरूरत नहीं। बाईपास मतलब जो इनपुट वोल्टेज आ रही है उसी से डायरेक्ट लोड चलाएगा, फिर शॉर्ट हो जाएंगी दोनों तो ऑटोमेटिकली वो बाईपास कर। तो सर जैसे आपने बताया इसमें डिजिटल वारंटी है, तो इसमें एक्चुअल वारंटी कितनी है इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो? सो इसको पूरे सेट के साथ हम 3 साल की वारंटी दे रहे हैं कस्टमर को। अच्छा, तो बैटरी और इन्वर्टर दोनों 3 साल की वारंटी है सर? 3 साल की वारंटी। सर अगर मैं बात करूँ चार्जिंग प्रोफाइल, तो सबसे अच्छा फीचर ये है इसमें कि आप 3 से 4 घंटे में पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। ओके, तो जो लेड एसिड है वो 12 से 15 घंटे लेती है, ये वाली हमारी बैटरी 3 से 4 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है। तो एक दिन में आप 4 बार इस बैटरी को यूज कर सकते। तो सर जैसे ये लिथियम बैटरी है और आज मार्केट में मेरे पास दूसरा इन्वर्टर अवेलेबल है मेरे पास, तो ये बैटरी मैं किसी और इन्वर्टर के साथ यूज कर सकता हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो इन्वर्टर जो है हमारा जो 5 kVA का UPS का इन्वर्टर है ये सिर्फ इसके साथ ट्यून्ड है, तो ना तो आप इसको किसी और के साथ यूज कर सकते हैं ना इसको किसी और बैटरी के साथ यूज कर सकते। इसको अगर आपने किसी और बैटरी के साथ यूज किया हो बैटरी खराब होगी तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, और इसको अगर आपने किसी किसी और इन्वर्टर के साथ यूज किया और इसमें आग लग गई या कोई और चैलेंज आ गया तो उसकी हमारी कोई जिम्मेवारी। थैंक यू सर आपको इस इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ। थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।